नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। क्या आप हाल ही में थोड़ा अजीब महसूस कर रहे हैं और समझ नहीं आ रहा क्यों? तो अब आप जानेंगे। हो सकता है कि आपका दिल आपको कुछ बताना चाहता हो। चलिए कुछ आम संकेतों के बारे में बात करते हैं जो अस्वस्थ दिल के लक्षण हो सकते हैं। सांस फूलना। अगर आप सामान्य रूप से चलने फिरने या साधारण काम करते वक्त आसानी से थक जा रहे हैं या सांस फूल रही है, तो ये संकेत हो सकता है कि आपका दिल अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है। खासकर अगर ये बिना किसी वजह के हो रहा है या जब आप लेट जाते हैं तो और ज़्यादा होता है, तो ये हो सकता है कि आपका दिल रक्त को ठीक से पंप नहीं कर रहा है। ये हार्ट फेलियर या कोरोनरी आर्टरी डिसीज का संकेत हो सकता है। सीने में बेचैनी, एंजाइना। अगर आपको छाती में दबाव, खिंचाव या दर्द हो रहा है, तो ये एक बड़ा संकेत है। हो सकता है आपका दिल सिग्नल दे रहा हो कि कुछ गड़बड़ है, जैसे कि कोई आर्टरी ब्लॉक हो गई है। ये दर्द आपके हाथ, मुंह या पीठ तक फैल सकता है। अगर ये नियमित रूप से किसी काम के दौरान होता है, तो इसे नजरअंदाज मत करिए। अनियमित धड़कन, अरिदमिया। अगर आपका दिल कभी तेज, कभी धीरे या असामान्य तरीके से धड़क रहा है, तो ये सिर्फ तनाव या उत्तेजना नहीं हो सकता। एक दौड़ता या तेज धड़कता दिल अरिदमिया का संकेत हो सकता है और इसे हल्का नहीं लेना चाहिए। अगर ये समस्या नजरअंदाज की गई, तो ये और भी गंभीर समस्याओं का कारण बन सकती है। पैर, टखने या पाँव में सूजन। क्या आपके पैर, टखने या पाँव सूज रहे हैं? ये इस बात का संकेत है कि आपका दिल खून ठीक से सर्कुलेट नहीं कर रहा, जिसकी वजह से फ्लूइड जम रहा है। ये हार्ट फेलियर का संकेत हो सकता है, तो इसे सिर्फ ज्यादा बैठने या चलने का असर मत समझे। बहुत ज्यादा थकावट। अगर आप हमेशा थके थके से महसूस कर रहे हैं, तब भी जब आपने कुछ ज्यादा नहीं किया, तो ये आपके दिल की वजह से हो सकता है। अगर दिल ठीक से खून पंप नहीं करता, तो मसल्स और बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलती, जिसकी वजह से आप बिल्कुल थका हुआ फील करते हैं। तो अगर आपका शरीर आपको ये संकेत दे रहा है, तो समय पर चेकअप करना जरूरी है। आपका दिल आपको कुछ बताना चाहता है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हेल्थ वीडियोज के लिए बने रहें।